अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, गुड इवनिंग, यू वाचिंग द अदर साइड, आई एम अलीना शिगरी। नाज़रीन, भारतीय वज़ीर आज़म और अमरीकी सदर का आपस में उनकी जो मुलाकात थी उसके बाद मुश्तरक एलामिया जो सामने आया, जॉइंट स्टेटमेंट सामने आई जिस पर पाकिस्तान ने एक शदीद अपने तहफ़ुज़ात का इजहार किया और जिस तरह से अमरीका की जानिब से भारत को मिल्ट्री टेक्नोलॉजी की फ़रोग का ये मामला सामने आया है और खुली एटमी तजारत की जो मंजूरी दी गई है, और ना सिर्फ ये बल्कि दोनों ममालिक के दरमियान दिफा और दीगर शोबों में जो है वो तआवुन बढ़ाने पर भी इत्तेफाक का इजहार किया गया है। हमारी तरफ से ये जॉइंट स्टेटमेंट, चूँकि इससे पाकिस्तान की तरह हवाले से बड़े सवालात, पाकिस्तान से सवालात पूछे गए और पाकिस्तान को ये कहा गया कि वो अपनी सरजमीन दहशतगर्दों को इस्तेमाल ना करने दे दहशतगर्दी के लिए, पाकिस्तान से हमेशा डू मोर का एक मुतालबा नज़र आता है। पाकिस्तान इवन दो कि दहशतगर्दी के खिलाफ इस जंग में बड़े सैक्रिफाइसेस दे चुका है, बड़े जानों के नजराने पेश किए हैं, बड़े हमने लॉसेस का सामना किया है इकोनॉमिकली भी, बावजूद उसके अमेरिका हमसे सवाल करता है कि पाकिस्तान जो है वो दहशतगर्दों को अपनी सरजमीन इस्तेमाल ना करने दे। बट हर दफ़ा की तरह चीन, हमारा दोस्त, हमारा ऑल टाइम फ्रेंड जो कंसिडर किया जाता है, चीन ने जो है वो हमारा इस बार भी साथ दिया। बट पाकिस्तान के वज़ीर आज़म ऐसे में कहते हैं कि इंडिया और US के दरमियान जो ये तआवुन और ये जो टाइज मजबूत होते हुए दिखाई दे रहे हैं, ये पाकिस्तान के लिए खतरे की और एक थ्रेट के तौर पर नहीं, हमें इसको लेना चाहिए, हमारे लिए बिल्कुल ये पाकिस्तान के लिए थ्रेट नहीं है। बट ये जो मिल्ट्री टेक्नोलॉजी देने का मामला है, इससे खित्ते में क्या चेंजेस और क्या चैलेंजेस पाकिस्तान के लिए बढ़ सकते हैं हमें, या फिर हमें इस वक्त एक कूलली इस चीज को, इस मामले को आगे लेकर चलना चाहिए और डिप्लोमेटिक फ्रंट पे जो हम चैलेंजेस का सामना करते हैं उस पर अपनी पोजीशन को बेहतर बनाने की जरूरत है। आज इस हवाले से हमने डिस्कशन रखी कि ये मामलात जो है वो पाकिस्तान के लिए क्या मजीद चैलेंजेस बढ़ाएंगे, या पाकिस्तान जो है उन चैलेंजेस का सामना जिस तरह से हर महाजों पर चैलेंजेस से निमट रहा है उसको भी स्पेशली ऑन द डिप्लोमेटिक फ्रंट बखूबी तरीके से निभाएगा। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है इस हवाले से डिस्कशन करने के लिए लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अमजद शोएब साहब, आप सीनियर दिफाई तज़ियाकार हैं। सर, अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस जनरल साहब। उनके साथ तशरीफ रखते हैं फॉर्मर एम्बेसडर सईद खालिद साहब, आई एम वेरी ऑनर्ड सर, आपने हमें आज ज्वाइन करा, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। और हारिस खलीक साहब, नीड्स नो इंट्रोडक्शन, सीनियर साहबी तज़ियाकार एंड कॉलमिस्ट, इस वक्त हमें स्टूडियो में कर, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। जनरल साहब, गुफ्तगू सर आपसे, ये जो भारतीय वज़ीर आज़म और अमरीकी सदर ट्रंप साहब का जो आपस में इनकी मुलाकात है, पाकिस्तान के लिए ये एक तशवीश की बात होनी चाहिए जो मुआहदे वो कर रहे हैं, जिस तरह से टेक्नोलॉजी मिल्ट्री फौजी टेक्नोलॉजी जो दी जा रही है, इतना असलाह दिया जा रहा है भारत को, हमारे लिए डिस्टर्बिंग एक बात है या हमारे लिए थ्रेट नहीं होना चाहिए? देखिए, डिस्टर्बिंग है और वो मेरे लिए तीन पॉइंट्स जो हैं वो ख़ास तौर पे डिस्टर्बिंग है। पहली चीज़ तो ये कि भारत को न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी हो, वेपन सिस्टम्स हो, एयरक्राफ्ट हो, कोई भी फील्ड, उसमें खुली छुट्टी है कि जो मांगता है आप लेते जाएं। ब्लू वाटर नेवी बनाने के लिए 22 उनको प्रीडेटर्स अभी उसने सौदा किया है, उनको दे रहे हैं ये टेक्नोलॉजी, वो नेटो के बाहर उन्होंने पहली दफ़ा इस मुल्क को दी है। इसी तरह उनको ये एयरक्राफ्ट कैरियर्स के लिए वो डिज़ाइन वगैरह मुहैया करके हेल्प कर रहे हैं कि जी आप इसको बनाएं। फिर वो F-16 की इंडस्ट्री वहाँ लगा रहे हैं। इसका मुवाजना आप यूँ कर लें कि आपने 8 F-16 लेने थे, सब कुछ तयशुदा था, एन मौके पर आपको कहा जी वो नहीं देंगे। इसका मतलब ये है कि जो दुनिया में एक ही सुपर पावर है इस वक्त, आज उसने तमाम वजन इंडिया के पलड़े में डाल दिया है, दिफाई एतबार से भी और सियासी एतबार से भी, क्योंकि जो बयान आए हैं जॉइंट कम्युनिके के, उसमें ये फिर अदा किया गया है कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की परमानेंट सीट भी आपको दिलवाने में पूरी हमायत की जाएगी, न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप में भी आपको लाने के लिए पूरी हमायत की जाएगी। और ये आप यूँ समझ लीजिए कि उसको ऑलरेडी अमेरिका जहाँ तक है उसको पाकिस्तान के नेशनल सिक्योरिटी के जो खदशात हैं, कंसर्न्स हैं हमारे, उसकी कोई फिक्र परवाह नहीं है और वो बेधड़क एक स्ट्रेटजिक बैलेंस जो है वो टोटली टिल्ट करके इंडिया के फेवर में रखना चाहता है, उसके अपने मकासद हैं। सो नेचुरली हमारे लिए ये एक बढ़ती हुई मिलिट्री कुव्वत इस खत्ते में, जिससे कि हमारे बहुत सारे तनाज़ात हैं वो हमारे लिए ख़तरा है।
किसी वक्त भी मामला गड़बड़ हो सकते हैं। दूसरा जो मेरा खदशा है वो ये है कि फिर उन्होंने एक इल्ज़ाम लगाया, ये कहा कि जी पाकिस्तान से टेररिज्म होता है दूसरे मुल्कों के ख़िलाफ़, ख़ासतौर पर इंडिया, इसको पाकिस्तान बंद करे और बॉम्बे के वाक़े के में जो लोग मुलव्वस थे उनके खिलाफ केस को मंतकी अंजाम तक जल्द जल्द पहुँचाए, पठानकोट का भी जिक्र करते हैं। तीसरा जो चीज़ है वो एक अंडरस्टैंडिंग है जो कि सैयद सलाउद्दीन के ऊपर पाबंदी लगाने से मुझे नज़र आ रही है कि इंडिया को भारत इस मामले में किसी हद तक कायल कर चुका है कि वो कश्मीर के मामले में सपोर्ट दे भारत को, और जहाँ भारत ये चीज़ जाहिर करे कि कश्मीर के अंदर जो जद्दोजहद है आज़ादी के लिए वो दर हकीकत जद्दोजहद नहीं है, वो एक इंसर्जेंसी है, एक टेररिज्म हो रहा है वहाँ पे जो पाकिस्तान स्पॉन्सर कर रहा है। ये तीन फैक्टर्स हैं जो मेरे लिए बड़े कंसर्न की बात है। जो मैंने ये बात की कि जब पाकिस्तान से कहा गया कि जी आप दूसरे उन ग्रुप्स के ख़िलाफ़ एक्शन करें जो इंडिया में ये कहीं टेररिज्म करा रहे हैं, तो वो तो अल्टीमेटली पाकिस्तान को एक स्टेट स्पॉन्सरिंग टेररिज्म जो स्पॉन्सर करती है उसका अंजाम हमें ध्यान में रखना चाहिए कि वो उधर लाना चाहते हैं। और कश्मीर में जिस दिन वो दुनिया को कायल कर गए कि ये टेररिज्म हो रहा है पाकिस्तान से लोग हैं जिसके लिए वो कोशिश कर रहे हैं, जिसमें मसलन LOC के ऊपर जो जितनी भी वायलेशन होती हैं उसका वो यही कहते हैं कि वायलेशन नहीं, हम तो ये पाकिस्तान से इन्फिल्ट्रेशन होती है, हम लिहाजा उसके ऊपर फायर करते हैं कि उधर से लोग ना आएँ। फिर वो LOC पे ला के कश्मीरी देहातियों को मार देते हैं 3-4 और कहते हैं ये पाकिस्तान से इन्फिल्ट्रेट कर रहे थे, हमने मार दिए। राइट सर, मैं जिस दिन ये हो गया और वो आज़ादी की जद्दोजहद के बजाय वो टेररिज्म कहलाया, आप देखेंगे इंडिया विल बी फ्री टू यूज ऑल टाइप्स ऑफ वेपन्स। मैं यहाँ तक देखता हूँ कि जिस तरह टेररिस्ट के ऊपर आज दुनिया मानती है कि बेशक उसके ऊपर एयर रेड्स करें, ये कश्मीरियों को दूर दराज इलाकों में इस तरह मारेंगे कि ये सारी मूवमेंट जो है इसका भुरकस निकाल के रखते हैं। मैं उनके ऑब्जेक्टिव्स हैं जिसके तहत वो चल रहे हैं। राइट, बट सईद साहब, आप इस जॉइंट स्टेटमेंट को एज अ चार्जशीट पाकिस्तान के हवाले से एक अमरीका की जानब से एक चार्जशीट के तौर पर कंसिडर करेंगे, एंड स्पेशली जब वजीर आजम साहब को मैंने जिस तरह कोट किया कि उन्होंने कहा कि ये एक थ्रेट के तौर पर नहीं लेना चाहिए, बट नोइंग कि ये मुलाकात जो है नरेंद्र मोदी और डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात ये पहले से तय थी, मतलब ये एकदम से तो सर्फेस नहीं हुई है, तो आप भी उस हवाले से कुछ एफर्ट्स आपको लगता है पाकिस्तान ने किए होंगे कि वो जो एंटी पाकिस्तान कैंपेन दुनिया भर में भारत चला रहा है उसको काउंटर करने के लिए हमने कुछ होमवर्क किया होगा? मुझे कोई इसमें इतना कोई सरप्राइज का एलिमेंट नहीं नजर आया इस स्टेटमेंट के अंदर। सरप्राइज जो आइटम सरप्राइज वाली है वो यही है कि वो सैयद सलाउद्दीन को उन्होंने डिक्लेयर कर दिया, वो नई चीज़ है। तो ये सिलसिला ये जारी है, पिछले साल भी हुआ था, उन्होंने कहा जी हम F-16 को फाइनेंस नहीं करेंगे, और अब ये खबरें आ रही हैं कि ना सिर्फ कोलिशन सपोर्ट फंड रोका गया है बल्कि आइंदा और भी रोका जाएगा। तो आप ये समझ लें कि अमेरिका की जो कमिटमेंट है पाकिस्तान की तरफ वो कम होती जा रही है, और ये एक स्टेडी प्रोसेस है। व्हाट रीजंस डू यू सी बिहाइंड दिस? क्या वो चीन का हमारे हमसे करीब आना वो उसके पीछे, और क्या पाकिस्तान इस पोजीशन में हमेशा रहेगा कि पूछ सके अमेरिका से कि भारत को ये फौजी टेक्नोलॉजी देने के पीछे मुहरकात हैं क्या अमेरिका के अपने? मुझे मेरा ख्याल है कि इसको ज़्यादा रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है, उनकी बेसिक डिमांड यही है कि आप तालिबान और हकानी ग्रुप जो हैं इन पर क्रैक डाउन करें, और अगर आप क्रैक डाउन नहीं करते तो उन्होंने ये स्पेसिफाई किया है कि पाकिस्तान के ख़िलाफ़ ये स्टेप इसलिए लिया गया है कि हकानी नेटवर्क को इन्होंने नहीं रोका, ये क्लियरली उनकी ऑफिशियल स्टेटमेंट में आ रहा है। कांग्रेशनल जो एक्शन हो रहे हैं उनके अंदर ये आ रहा है, ये आ रही है, ये चीज़ तो कोई ढकी छुपी नहीं है, ये उनकी डिमांड्स, हमारा एक्शन और उनका फर्दर रिएक्शन जो है ये इसका एक चेन चल रही है। बट डू यू सी एन इनएक्शन ऑन आवर एंड, हमारे तरफ से इनएक्शन है जिसकी वजह से वो बार-बार इनएक्शन ये है कि सरताज अजीज साहब ने भी कहा था कि हाँ वो तालिबान हमारे यहाँ हैं, तो जो हमारी थोड़ी बहुत लेवरेज है उनके ऊपर वो इसलिए है कि वो हमारे यहाँ हैं, ना ही ये कोई इनकार कर रहा है कि हकानी वाले इधर नहीं आते जाते, वो भी एक हकीकत है, तो इससे तो कोई यानी कोई डिनायल नहीं है इसमें। पाकिस्तान ये कहता है कि हमारा इनके ऊपर ज़्यादा कंट्रोल नहीं है, इन लोगों के ऊपर अगर हम ज़्यादा क्रैक डाउन करेंगे तो ये हमारे खिलाफ़ हमले करने शुरू कर देंगे,
पाकिस्तान की ये एक्सप्लेनेशन राइट। बट हारिस करीक साहब, इस वक्त अमरीका जो है वो नरेंद्र मोदी की टोन पर इस वक्त हमसे सवाल कर रहा है, या अगेन जिस तरह से सईद साहब ने भी कहा कि एक सरप्राइज के तौर पर नहीं था, इसी किस्म की बात जो है वो सामने आनी? देखिए, सरप्राइज तो नहीं है अलीना, मगर बिल्डअप जरूर है। और मैं आपसे गुजारिश करूँ, वैसे जाती बात जरा कम करनी चाहिए, मगर 2015 में मुझे कुछ महीने अमरीका में गुजारने का मौका मिला था एक यूनिवर्सिटी के साथ। वहाँ 11 जो 9/11 का जो सितंबर का वाक्य है, तो मैं वहीं था और वो एक रेडियो पे, एक दो रेडियोस पे मुझे बात करने का भी मौका मिला। टोन जो अमेरिका में है इस वक्त, वो कोई पाकिस्तान से कोई उनके इस वक्त ताल्लुकात कोई बहुत साजगार नहीं है। जो पब्लिक ओपिनियन फॉर्म हो रही है, जो कांग्रेस में या सेनेट और हाउस ऑफ रेप्स दोनों में, और जो एकेडीमिया है और जो थिंक टैंक्स हैं, वो हमारे लिए बहुत साजगार नहीं है और उसके लिए हम कुछ नहीं कर रहे। जो यानी एक कोई कोई सिफारती ऑफेंसिव जिसको होना चाहिए, कमजोर सिफारतकारी मतलब नजर आया है कमजोर से। वैसे एक मतलब है कि हमारी जो इंडो सेंट्रिज्म है वो ना हमें काबुल के साथ ताल्लुकात बेहतर करने देती है, ना वो हमें अमेरिका के साथ वो हायल होती है बीच में। और उसकी उसकी एक वजह है, यानी उसकी एक तारीख है, मैं उससे कभी इनकार नहीं करता कि उसमें हिंदुस्तान का क्या एक किरदार रहा है, उससे इनकार नहीं। लेकिन हम वो बहुत ज़्यादा वो बार फैक्टर्स हैं हमारे फॉरेन पॉलिसी में कि हम हर चीज़ हर जगह जो है वो फोकस हमारा जो है वो दिल्ली नई दिल्ली होता है। तो ये एक मसला है, और शायद उनका भी हम होते हैं, तो ये एक बुनियादी मसला तो है। और हम होते हैं पर वो अपने साथ साथ काम कर रहे हैं, उसकी एक वजह है उसकी। देखिए उसमें कुछ थोड़ा सा अगर आप और एक जरा ग्लोबल एक इसमें तो सबूत मौजूद है, स्ट्रेटेजिक तौर पे भी अगर देखें सर, एक सबसे बड़ा सबूत तो 40 करोड़ नहीं, जो स्टेटमेंट वहां से आई है उसमें से नजर नहीं आता कि फोकस पाकिस्तान है। नहीं नहीं, वो तो मैं तो कह रहा हूँ कि है फोकस। आपने कहा ना कि शायद हम उनका भी फोकस, शायद नहीं, ये तो यकीन की हद तक कभी इस चीज में सामने। हाँ जी, 7 लाख फौज है वैसे कश्मीर में, तो जाहिर है वो भी नजर आता है। 40 करोड़ की लोग खत्ते गुरबत से नीचे हिंदुस्तान में, मगर 40 ही करोड़ लोग, यानी जो पूरे यूरोप की आबादी है, उतनी बड़ी एक इमर्जिंग और एक बाइंग पोटेंशियल रखने वाली मिडिल क्लास है हिंदुस्तान में। ये आपको जहन में रखना चाहिए कि चाहे वो कश्मीर का मामला हो या फलस्तीन का हो या किसी और जहाँ जहाँ ये मसाइल हैं बर्मा के रोहिंग्यास का हो, मसला जो है वो बुनियादी तौर पर वो दो मिलियन 4 मिलियन कश्मीरी नहीं है, बल्कि वो 40 करोड़ की मिडिल क्लास है। सरमायादाराना निज़ाम है अमेरिका, इससे पहले यूरोपियन यूनियन भी इसी किस्म की गुफ्तगु हिंदुस्तान के हक में कर चुका है। जो तो ये हमें जहन में रखना चाहिए कि हमारा कोई दोस्त अगर इस खित्ते में नहीं है तो मगरब में भी नहीं है। तो इसलिए ज़रूरी यही है कि ये मसाइल बिटवीन काबुल, दिल्ली एंड इस्लामाबाद ही हल होने होंगे। हम कोई उम्मीद नहीं लगा सकते ना वाशिंगटन से, ना पेरिस और लंदन से। और ये जब तक सेंस प्रिवेल नहीं करता इस खत्ते में, उस वक्त तक फॉरेन इंटरवेंशन यहाँ बढ़ेगी और पाकिस्तान को मुश्किलात का सामना रहेगा। क्या ये भी एक रीजन हो सकता है कि चीन जिस तरह से एक रोल प्ले करने के लिए 42 बिलियन डॉलर जो है हम हिंदुस्तान में भी इन्वेस्ट कर रहा है, ये मत लेकिन काबुल और इस्लामाबाद के दरमियान जो ताल्लुकात को बेहतर बनाने के लिए चीन जो एक रोल अदा करना चाह रहा है, क्या ये भी एक रीजन हो सकता है जिसकी वजह से अमेरिका? बिल्कुल हो सकता है, रूस भी अदा करना चाह रहा है। अगर आप याद करें जो 4 मुल्कों का एक वो बना था, उसमें चीन, रूस, पाकिस्तान और अफगानिस्तान थे, लेकिन वो कुछ चला चलाया नहीं, माजरत के साथ ज्यादा। अब जो मसला है वो ये है कि चीन बिल्कुल कर सकता है, लेकिन अफगानिस्तान से तो मुझे समझ में वजह नहीं आती कि एक तो हर चीज का मलबा वो पाकिस्तान पर डालते हैं, और अब सूरत हाल इस हद तक खराब है कि हमारा जो मगरबी सरहद है जिसको वो तस्लीम नहीं करते, बाय द वे तालिबान के दौर में भी उन्होंने नहीं किया था पाकिस्तान के साथ सरहद को, लेकिन उस सरहद पर दोनों तरफ से गोलाबारी हुई है और एक दूसरे की शहरियों को, यानी उन्होंने इब्तदा की और फिर हमने रिटेलिएट किया। तो ये हमारी इस वक्त इतने काबुल के साथ मामला जो खराब हैं वो हमको अलग से ठीक करने की जरूरत है बहुत जल्द। इनका फोटे है, मैं उसमें जाहिर है कि मैं करना नहीं चाह रहे, क्यों नहीं कर पा रहे सईद साहब? देखिए हर स्प्रिंग में एक ऑफेंसिव होता है और वो हर साल होता है, तो ये जरा सोचने की बात तो है। जो मुज़ाकरात का जो था अमल वो नहीं आगे बढ़ा, वो आगे इसलिए नहीं बढ़ा कि अमेरिकन भी और काबुल भी जो हैं उन्होंने कोई फैसला नहीं किया कि वो तालिबान को क्या कंसेशन दे सकते हैं। पावर शेयरिंग की बात हुई, यू नो स्टैंड स्टिल की बात हुई,
के दोनों साइड जहाँ जहाँ हैं वहाँ पे रहें, लेकिन ये मामला बिल्कुल आगे नहीं बढ़ा। जब आगे नहीं बढ़ा तो इसका मतलब है कि फिर मिलिटेंट एक्टिविटी ने कहा कि हम 4000 बंदा और भेज सकते हैं, तो उस तरफ जा रही है ना चीज़ें, मुज़ाकरात की तरफ नहीं जा रही। राइट सर, लेकिन मैं चाहूँगी जनरल साहब एक मुझे छोटी सी ब्रेक का इशारा दिया जाए, ब्रेक के बाद डिस्कशन को आगे बढ़ते हैं। करीब तो नेचुरली खत्ते में पाकिस्तान की पोजीशन ये है कि जो भी पार्टी सिंसियरली यहाँ पे स्टेबिलिटी लाना चाहे, अफगानिस्तान में अमन लाना चाहे, पाकिस्तान उसके साथ खड़ा होना चाहिए। हमने पूरी कोशिश की कि अमेरिका के प्रोसेस को सपोर्ट किया जाए। वो जैसे भी खालसा साहब बात कर रहे थे वो नहीं चल सका बिकॉज ऑफ सर्टन रीज़न, जो तफसील में जाए तो मैं बात करूँ। लेकिन अब रूस चूँकि लगता है कि वो शायद इस चीज़ को करना चाहते हैं, हम उनको भी बिल्कुल सुनने के लिए तैयार हैं, उनके साथ भी खड़े होते हैं, लेकिन प्रोसेस वो भी आगे नहीं चलेगा। अच्छा, किस्सा ये है जो समझने की बात है, हम सब जितने भी बात करते हैं वो हमने सारा हमारी डिस्कशन जो है वो उन चीज़ों पर होती है कि अशरफ गनी ने ये कहा, अब्दुल्ला अब्दुल्ला ने ये कहा, अमरीका ने ये कहा, रूस की ये स्टेटमेंट, नहीं सब झूठ बोलते हैं। अंदर इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं सब की जो काम चला रही हैं, इस पिक्चर में से कोई भी बाहर नहीं रहना चाहता। इंडिया तक को पूरा यकीन नहीं है कि अमेरिका पे पूरा इतमाद रखा जाए या नहीं रखा जाए। उनके अपने मुल्क में जो कंडीशंस है, जहाँ पे दबाव आता है, वो सोचते हैं कि शायद ये ना हो कि अचानक अमरीका उठ के यहाँ से चला जाए, फिर हमारे गले में पड़ जाए ये चीज़। यही चीज़ जो है ईरान को भी नज़र आता है कि ये ना हो यहाँ पे बैठे अब हमारे खिलाफ आईएसआईएस दाइश का किस्सा खोल बैठे और इधर चलाना शुरू कर दें। यही चीज़ रूस को भी नज़र आती है। चुनाचे आज जो ग्राउंड पे सिचुएशन है, हमारे यहाँ तो हकानी का रोना रोते हैं ना, और हमारे लोग उस पर यकीन कर जाते हैं। तालिबान का कोई ना कोई ग्रुप, उसका किसी न किसी के साथ ताल्लुक मौजूद है, यहाँ तक कि इंडिया का भी मौजूद है। और रिसेंटली जो डेवलपमेंट है, रिसेंट वो ये है कि इंडिया भी तालिबान को पैसे दे रहा है। तो सर, अगर सोच वहां पे ये है, भी कहते हैं ना, सोच वहां पे ये है, आप क्यों नहीं फिर लेके जाते इंटरनेशनल फोरम्स पे? ये पॉलिसी बनाने में ये चीजें सोच में आती हैं, हमें शवाहिद लाने की जरूरत नहीं है। आप ये चीजें, आपको देखिए फॉरन ऑफिस में बैठ के आपको इनपुट मिलती है, जो खाल साहब को पता होगा कि वहां मिलती, यहाँ बैठे इनको नहीं मिल रही, यहाँ बैठे मुझे नहीं मिल रही, इनको नहीं मिल रही। हम सब इनपुट के लिए मतलाशी हैं, उसके भूखे हैं कि हमें मिले ताकि हम भी कुछ वो बात करें। पॉलिसी बना रहा है और जो इनपुट मिलती है उनको वो पब्लिक में शेयर नहीं की जाती, वो मुझे नहीं पता, आपको नहीं पता, लेकिन जो हकीकतें हैं बास जो मुझे पता लगती हैं, जो कुछ तो मैं कभी कभी मीडिया में बात करता हूँ। आज इंडिया की सोच ये है कि रशिया चूंकि उसमें आ गया है, ये ना हो कि रशियन प्रेशर की वजह से अल्टीमेटली तालिबान के साथ कोई मामला खड़ी हो जाए, क्योंकि तालिबान को वो वेपन देने खुले। हकानी तो किसे कुछ नहीं है, वो तो चीज़ ही कोई नहीं है। जो बड़ी ताकतें, चाइना भी वेपन दे रहा है, सिर्फ फर्क यह है कि पाकिस्तान के थ्रू नहीं जा रहे, पाकिस्तान ने अपने आप को अलग रखा हुआ है। अब ये सारा कुछ हो रहा है वहां पे, एंड एवरीबडी इज सस्पिशियस इंडिया तक, कि अगर रशिया की कोशिशों की वजह से तालिबान हुकूमत का हिस्सा बन गए तो ये ना हो कि अफगानिस्तान में हमारा बिल्कुल टिया पांचा हो जाए, हम निकल ही जाएं अफगानिस्तान से, हमारा क्या बनेगा फिर? तो कहते हैं कि कहीं ना कहीं टांग अड़ा के रखो। तो इंडिया भी पैसे दे रहा है, इसी तरह यहां तक कि CIA भी पैसे देता है तालिबान को। मुल्ला मंसूर अख्तर, उससे किसी ने पूछा, उसने बड़ी जबरदस्त बड़ी एक्सपेंसिव रोलेक्स की घड़ी बांधी हुई थी, तो उससे पूछा किसी ने कि ये घड़ी तेरी तुझे कहां से आई? उसने कहा वो CIA का फलान, उसने मुझे तोहफे में दी। किस्सा ये है कि इस गेम में कोई भी मुल्क अपने आप को आउट ऑफ पिक्चर नहीं रखना चाहता, वो किसी भी पार्टी को मुकम्मल तौर पे नाराज़ नहीं करना चाहता, क्योंकि कोई भी यहाँ पे बड़ा मुल्क जो है वो एंड गेम आपके सामने नहीं ला रहा। अब सोचने की बात ये, हम सारे यहाँ बैठ के ये बात करते हैं अक्सर, पाकिस्तान को ये करना चाहिए, पाकिस्तान को ये करना चाहिए, भाई पहले ये सोचें अमरीका क्या करना चाहता है, ये सोचें कि रशिया यहाँ क्या हासिल करना चाहता है, इंडिया क्या करना चाहता है, ईरान। हम अकेले कुछ नहीं करने के काबिल, ये कोई हम ड्राइविंग सीट पे नहीं बैठे हुए। और फिर ये मुझे कोई गारंटी दे दे कि आप पहली बात तो ये कि हकानियों का किसी का भी जरबे उसके बाद उनका कोई ऑपरेशन लॉन्च करने के लिए कोई इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ मौजूद नहीं है, लीडरशिप आती जाती है,
हकानियों का नंबर टू अनस हकानी वो कतर में पकड़ा अमरीकियों ने हमारी इन्फॉर्मेशन, फिर आप कैसे कह सकते हैं कि हम हकानियों को सपोर्ट करते हैं? मुतालबा तो हम किसी को मार नहीं सकते यहाँ पे। अगर हम कहते हैं कि जी अगर आप यहाँ से ये 30 लाख रेफ्यूजी ले जाएं तो वो भी साथ दफा हो जाएंगे, इन लोगों की सबकी फैमिलीज यहाँ पे हैं, वो भी सारे चले जाएंगे। अब किस्सा ये है, सारी चीज उस देखने की है कि हर किसी ने अपनी स्टेक्स तो अंदर रखी हुई है और वो आपको हिलने नहीं दे रहा। तो आप अपने तौर पे अगर कोई कदम यूं उठा के कर बैठेंगे तो सवाय आपके और किसी का नुकसान नहीं होगा। राइट सर, सईद साहब, जो डिप्लोमेटिक चैलेंजेस और जिस तरह से हारिस शरीफ साहब ने भी कहा कि अमेरिका में वो जो अमेरिकन सेंटिमेंट्स हैं टुवर्ड्स पाकिस्तान वो अब भी इतने साजगार नहीं नजर आ रहे हैं। एक चीज मुझे खाल साहब के भी वो फिर बहस में आसानी हो जाएगी, मैंने स्टेटमेंट में ये कहा कि इंडिया भी पैसे दे रहा है, ये क्यों और कैसे और कब शुरू, ये अब शुरू हुआ कुछ अर्सा पहले, और ये किस्सा इस तरह शुरू हुआ कि जब रशिया ने अफगानिस्तान में पीस कॉन्फ्रेंस जो की लाई उसमें 4 मुल्क शामिल थे, इंडिया नहीं था। फिर इंडिया ने भागदौड़ शुरू की और रशियंस को कायल करने की कोशिश की, उनको कहा कि पाकिस्तान ने आईएस बनाई है दाइश, तुम पाकिस्तान को निकालो। रशियंस को पता था कि हाँ इन्होंने नहीं बनाई, पाकिस्तानियों ने, इंडियंस ने बनाई, वो बिल्कुल नहीं माने। फिर उन्होंने मिन्नत की कि हमें आप पीस कॉन्फ्रेंस में शामिल करें, तो रशिया ने उनसे कहा कि आप पहले एग्री करें कि तालिबान के थ्रू पीस प्रोसेस को चलाया जाना चाहिए। दे एग्री ऑन सम टर्म्स, इंडिया ने रशिया को टर्म्स जो दी, उन्होंने कहा जी कि आप जब पीस करवाएं तो अफगानिस्तान का आइन उनसे मनवाएं और उनसे वायलेंस रोकने की बात करें। रशियंस ने कहा जी ठीक है, एंड देन इंडियंस रियलाइज कि अब वो आउट ऑफ पिक्चर होते जा रहे हैं, इस गेम से निकलते जा रहे हैं, एंड देन दे इमीडिएटली स्टार्टेड हैविंग कॉन्टैक्ट्स, पहले भी थे, दे स्टार्टेड गिविंग देम द मनी। राइट सर, इंडिया हमारे पास शवाहिद मौजूद हैं सर, इंडिया तालिबान को फंडिंग कर रहा है, बट अगेन व्हेन इट कम्स टू प्रूविंग देम रॉन्ग एंड एक्सपोजिंग देम इन द वर्ल्ड हम कमजोर हैं। नहीं, हर किसी का अपना अपना जो है बयानियां चल रहा है, बयानियां में कोई तब्दीलियां नहीं आ रही हैं। तब्दीली जो यानी ज़मीनी हकायक में जो तब्दीली आ रही है ना, वो ये है जिसका कल हमारे आर्मी चीफ ने भी जिक्र किया है, उन्होंने कहा जी कि दाइश अफगानिस्तान में मजबूत होती जा रही है। अच्छा, यही चीज़ हम पिछले 6 महीने से सुनते आ रहे हैं कि रूसी जो हैं वो तालिबान से इसलिए रवाबत बढ़ा रहे हैं, हो सकता है उनको कोई मदद भी दे रहे हों, कि दाइश को कैसे काउंटर करना है। तो ये एक नया एलिमेंट आ गया अफगानिस्तान के अंदर। जहाँ तक मुझे समझ आता है, डोनाल्ड ट्रंप जो है उसने ये सारा मामला फ़ौज के हवाले कर दिया है, उसने कहा जी आप डिसाइड करें, क्योंकि आप ही वहाँ पे फील्ड में हैं, आप ही पिछले 15 साल से लगे हुए हैं, तो डिप्लोमेटिकली तो कोई वे फॉरवर्ड नज़र नहीं आ रहा, तो उसने हैंडओवर कर दिया है। अच्छा, अब अगर अमेरिकन फ़ौज जो है वो अफगानिस्तान में इफ़ेक्टिव होना चाहती है तो पाकिस्तान को बाईपास करना इतना आसान नहीं है, क्योंकि हमारी फ़ौज शुरू से ही इसमें यानी एसोसिएटेड रही है इस मामले में। तो मुझे तो ये लगता है कि जो अंदर अंदर जो है मामला वो फौजों के दरमियान होंगे, ऊपर से बयान चलते रहेंगे और प्राइम मिनिस्टर कहेंगे कि हाँ कोई ऐसी खतरे की बात नहीं है। राइट सर, बट ये जो भारत में जो मुंतकली हो रही है फौजी टेक्नोलॉजी की सर, इससे खित्ते में आपको लगता है ताकत का तवाज़ुन खराब? अमरीकी तो मर रहे हैं कि ले लो हमसे और टेक्नोलॉजी ले लो, अरबों को बेच रहे हैं। फैक्ट्री बंद हो रही थी। हाँ, वो मतलब आपके पास मजीद F-16 के ऑर्डर्स नहीं है। न्यूक्लियर का भी यही किस्सा है, वो बेचना चाहते हैं न्यूक्लियर प्लांट, इनके पास पैसे का, वेपन्स का भी यही किस्सा है। अमेरिकन्स आर वेरी यू नो, हम कब्जा मार्केट है, ले 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 जी ये मार्केट है। मैंने जैसे पहले अर्ज किया था, हिंदुस्तान में जो है वो एक खास तरह से सरमायादारी ग्रो कर रही है और एक मार्केट है और उसका उसके बहुत सारे लोग जो हैं वो अपना माल बेचने के लिए वहाँ आना चाहते हैं। एक बात तो ये, दूसरी एक और बात भी है और वो ये है कि जो अगर आप गौर करें इस वक्त के हिंदुस्तान का जो जन साहब जो 6 महीने, मेरा ख्याल ये है कि इससे कहीं ज़्यादा पुरानी बात है। तालिबान की फंडिंग जो पाकिस्तान का जो TTP है उसके साथ पाकिस्तान की एजेंसियों को बहुत पहले इस बात के शवाहिद कई बरस पहले मिले थे। मैं अफगान तालिबान की बात के जी मैं समझ गया, अफगान तालिबान। हाँ, अब वो मामला उस तरफ, तो ये कोई ऐसी अचंभे की बात नहीं और है। ईरान पिछले इंटेलिजेंस एजेंसीज जो हैं वो इसी तरह से किया करती हैं सारे मुल्कों की, और मैं इनसे इत्तफाक करता हूँ इंसाफ से कि इस पिक्चर से कोई बाहर नहीं रहना चाहता, मगर हमारा अपना मफाद जो है वो किन चीज़ों में है और वो बहुत ज़रूरी है।
कि हमारी खारजा पॉलिसी जो है वो बहुत ज़्यादा आज़ाद और हमारे मुआशी हकूक की मुहाफिज़ हो। ये एक बुनियादी मसला है। हम ये गेम्स बहुत सारे अफोर्ड नहीं कर सकते जो वो मुल्क अफोर्ड कर सकते हैं जिनके पास तेल है, जो वो मुल्क अफोर्ड कर सकते हैं जो टेक्नोलॉजी और इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बड़े अगले मराहल में बल्कि पोस्ट आगे निकल गए, हम वो चीज़ें अफोर्ड नहीं कर सकते। तो हम चूंकि वो चीज़ें अफोर्ड नहीं कर सकते तो वो हम गेम्स प्ले नहीं कर सकते, ना हम मिंडनाओ में मजीद जाके कुछ कर सकते हैं, ना हम बोस्निया में कर सकते हैं। हम तो यहाँ अपने जो मामलात हैं उनको, तो मेरा सिर्फ इसरार ये है इस बात पर कि हमें अपने मफादात को पेश नज़र रखना चाहिए और उसमें खित्ते में बढ़ती हुई जंग सबसे बड़े मुतासरीन भी हम ही हैं। जो जितनी भी डिस्टेबलाइजेशन हो रही है उसके मुतासर हमें, और हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि हमारी रिट इतनी कमज़ोर थी कि उसामा बिन लादेन साहब, जो आलमी तौर पर तयशुदा बात है वो यही है कि वो हमारे यहाँ से ही मिले थे। तो ये समझना कि अमरीका ये बात भूल जाएगा और इस बात को चूंकि कई बरस गुजर चुके हैं तो वो उनके उनके रेडार पे नहीं है, तो शायद मैं समझता हूँ कि ये तो हम लोग जरा एक वल्नरेबल पोजीशन में हैं और इस वल्नरेबिलिटी को अंडरस्टैंड करना बड़ा जरूरी है ताकि कुछ पॉलिसी रीसेट्स हम कर सकें। दो पॉइंट है, देखो अली ने इसमें बात समझ की है, मुल्ला फजलुल्लाह वहाँ पे है ना, अमरीका और नेटो इनसे बड़ी तो इंटेलिजेंस एजेंसी किसी के पास नहीं है, उनको नजर नहीं आ रहा, नजर नहीं, बैठा है उनकी मर्जी से। बस को हमारी तो मर्जी से यहाँ नहीं था, मैं ये कहता हूँ मुझे नजर नहीं आया उसामा बिन लादेन, तो इसमें कोई ऐसी गलत बात नहीं है। वो एक मैंने तो कहा मुझे यानी इसके ऊपर मेरा ट्रायल नहीं हो सकता कि ये आ गया। एंड इन एनी केस उसामा बिन लादेन कौन सी ऐसी बला है, वो दुनिया शोर मचाती है, सब कुछ है, लेकिन हम जिसका शोर मचाते हैं उसका भी तो कोई बात करें ना। सो इस वजह से मेरा ख्याल है हमें रोने का कोई इस पर जरूरत नहीं है कि यहाँ क्यों निकला, निकला जहन्नम में गया निकला, हमें इतनी चीज पता है, समंदर बुर्द हुआ, नहीं समंदर बुर्द हुआ, हमारा ये पता है कि जब हमने उसको पकड़ने के लिए कोशिश शुरू की तो उससे पहले हमने सऊदी अरेबिया को कांटेक्ट किया कि जी हम पकड़ लेंगे तो हम आपको, क्योंकि यहाँ पे उसको अमेरिका के हवाले करते तो हमारे ऊपर बैकलैश आता था और अगर हम उसको मार देते हैं तब हमारे ऊपर बैकलैश आता था। सो वी रिक्वेस्टेड सऊदीज के भी आपका सिटीज़न आप ले लें उसको, हम पकड़ें अगर तो आपको दे देंगे, ये चीज़ें पहले से टाई अप की जा रही हैं। सऊदीज ने कहा जी हमने तो उसकी शहरियत जो है वो खत्म कर दी हुई है, हम तो उसको ले ही नहीं सकते, लेकिन हम तो आखिर दम तक ये कह रहे थे वो यहाँ नहीं है। हाँ नहीं तो नहीं है ना, हमें तो पता होता तो हम पकड़ के नहीं, तो यार अगर मिसाल के तौर पे निकल आया तो इसमें ऐसी कौन सी तबाही है। मैंने तो नहीं कहा कि तबाही, मैं तो आपको सिर्फ बता रहा हूँ मैं तो सवाल पूछ रहा हूँ, याददाश्त से हजम 9/11 हो गया ना, तो किसी ने पूछा कि यार ये इतने 18 महीने यहाँ पे ट्रेनिंग लेते रहे ये इतने बंदे और जहाज उड़ा के ले गए तो तुम लोग पता कैसे नहीं चला। ये हम सवाल अपने आप में करते हैं ज्यादा, बाहर दुनिया नहीं करती है, हम रोना अपने लिए ज्यादा रोते हैं, ये चीज नहीं होनी चाहिए। बट सर आज को ऐसे इन हालात में ही हमारे कुछ कवानीन हमारे मुल्क में जो मौजूद है वो बड़े अंडर सख्त जो है सीरियस क्रिटिसिज्म है। रेमंड डेविस ने जो बुक ऑथर कर दी है उसके बाद वाले भी आप प्रोग्राम करेंगे तो उसमें भी मैं आपको इल्जाम तो लगाए हैं ना, रेमंड डेविस इल्जाम लगाता है कोई तो उसका हक है वो लगाता रहे, किताब लिखेगा तो आपका क्या मतलब है कि वो उसमें सारी वो अपना करेगा, लेकिन अगर आप नहीं, लेकिन उसमें दिलचस्प बात यह है अगर बात निकली है कि अहमद शुजा पाशा साहब और हुसैन हक्कानी साहब दोनों एक पेज पे थे रेमंड डेविस को छुड़वाने के लिए नहीं, और फिर आपस में लड़ रहे थे उसके बाद ना, ना, ये बड़ी, ये हमारे लिए जो अफसोस का मकाम है ना पाकिस्तान की गलतियां और बहुत सारे झूठ भी है। उसकी वजह ये है कि वो शख्स जेल में था और जो कुछ जेल से बाहर हो रहा था वो सारा उसने किताब में लिखा है और वो हेयर से है, वो कहता है जी जब मैं यहाँ से छूटा मुझे जहाज में बिठाया तो वहाँ फलाँ ने टेलीफोन पर ये बात की मुझे ये बताया, वहाँ जाके अफगानिस्तान पहुँचे तो फिर वहाँ उसने ये बताया, सो ये उसकी सुने सुनाई बातें हैं, लेकिन कुछ सच है कुछ झूठ है। पहली बात ये है कि ये किस्सा इस तरह सबसे पहले पाशा से लियोन पनेटा ने डिस्कस किया अमेरिका में और उसने कहा जी कि आपके लिए ये ऑर्डर है कि इसको रिलीज़ करें, तो पाशा का जवाब था कि किसने ऑर्डर दिया किसकी तरफ से, उन्होंने कहा जी कि प्रेजिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स, तो पाशा का जवाब ये था कि आई डोंट गेट ऑर्डर फ्राम प्रेजिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स, आई गेट ऑर्डर फ्राम प्रेजिडेंट ऑफ पाकिस्तान, सो आई नो आई डोंट नो एनीबडी अदर दैन द प्रेजिडेंट ऑफ पाकिस्तान। उस पर वो कहता है कि पाशा साहब की याददाश्तें भी जब छपेंगी तो ये वाज़ेह होगा। नहीं नहीं मैं आपको बता रहा हूँ, अभी आगे मुझे सर चलने दें, जब इस पर थोड़ा उससे तूतड़ाक हुई तो पाशा लेफ्ट अरूनी साइड के डोंट शाउट आई कैन ऑल्सो शाउट एंड पाशा लेफ्ट द प्लेस। फिर उन्होंने दे स्टार्टेड कॉन्टेक्टिंग द पोलिटिकल गवर्नमेंट और फिर प्रेशर आना शुरू हुआ थ्रू कैरी एंड हुसैन हक्कानी, एंड हुसैन हक्कानी वॉज द पर्सन हु ब्रॉट दिस प्रपोजल ऑफ दियत, उसने समझाया अमरीकियों को कि ये एक दरस्ता है कानूनी दियत वाला,
ये किया जा सकता है। फिर कहा अच्छा, लाहौर में नवाज शरीफ साहब से मुलाकात की थी, 30 करोड़ दे दिए। नवाज शरीफ से नहीं भी मिला, नवाज शरीफ वाज नॉट इन पिक्चर। अच्छा अब चीज़ ये है, अब मैं बता रहा हूँ वो उसने लिखा ना, अब बता रहा हूँ मैं आपको। हुआ ये कि यहाँ पे जरदारी साहब के ऊपर जब ये बहुत प्रेशर आया और ये चीज़ हुई तो इन्होंने कॉन्फ्रेंस की जरदारी साहब ने, जिसमें यूसुफज़ा गिलानी मौजूद थे, रहमान मलिक मौजूद थे, जनरल पाशा, जनरल कियानी, और वहाँ जरदारी साहब ने कहा जी हमारे ऊपर बड़ा प्रेशर है और हम अमेरिका के साथ ताल्लुकात को कुर्बान नहीं कर सकते एक रेमंड डेविस की वजह से, रेमंड डेविस की वजह से हम ये मामला नहीं कर सकते, सो समथिंग हैज़ टू बी डन। तो साहब ने कहा जी फिर क्या किया जाए, तो उन्होंने ये दियत वाला चैप्टर खोला कि जी ये करना चाहिए। उस पर जनरल कियानी ने कहा कि जी देखें ये आप अपनी, क्योंकि रहमान मलिक भी थे, आप अपने इंटीरियर मिनिस्ट्री को टास्क हैं, रहमान मलिक इमीजिएटली सेड के बिल्कुल मैं तैयार हूँ, आप हुक्म करें हम करा देंगे, बट जरदारी साहब इंसिस्टेड कि नो यू वॉन्ट डू इट, तुम नहीं कर सकोगे, ये ISI को करना चाहिए। सो विद लॉट ऑफ रिलक्टेंस दिस वॉज थ्रस्टेड अपॉन ISI के जी आप इसको एग्जीक्यूट करके दें। फिर भी उसके बाद जनरल पाशा वेंट राउंड, ही कॉल्ड अपॉन ऑल द पोलिटिकल लीडर्स लेस नवाज शरीफ, नवाज शरीफ साहब इंग्लैंड चले गए थे, सो नवाज शरीफ वॉज नॉट ऑन बोर्ड, उसको नहीं पता था, ये शहबाज शरीफ को पता था बिकॉज पाशा देन मेट शहबाज शरीफ, और जब उनको सबको सूरत हाल बताई, एवरी पोलिटिकल लीडर सेट के बिल्कुल गेट रिड ऑफ दिस डेविस इमीजिएटली, हमें अपने आप को मजीद मुश्किल में नहीं दसाना चाहिए। सलाला पे हमने 9 महीने रास्ता रोक दिया था, ये जब हमें कोई पोजीशन लेनी होती है हम ले लेते हैं, बिल्कुल ले 9 माह तक देखिए सप्लाईज हमने रोक दी। ये है कि इसको कांसलाला चेक पोस्ट पे, इसको कानूनी तौर पे देखें, मैं एक चीज बता दूं, इसमें उसको सजाए मौत नहीं हो सकती थी, क्यों कि ये चीज वाजे था कि सेल्फ डिफेंस में किया, क्योंकि उन लोगों से जो दो मारे गए उनसे पिस्टल भी बरामद हुई, उनसे कुछ डॉलर भी बरामद हुए, वो गालिबन इसी के एम्प्लॉय थे और पैसों के लेन देन पर गालिबन इनका मसला था। चुनाचे ये केस वहाँ जब अदालत में जाता तो सेल्फ डिफेंस की वजह से शायद उसको को 2-4 साल सजा हो जाती। अब उस सजा की वजह, उस पर अगर आप उसको फांसी नहीं दिलवा सकते और उसके बदले आप इस किस्से में उन लोगों को 22-23 करोड़ दिलवा सकते हैं, तो किसी ने मुनासिब समझा कि ये रास्ता इख्तियार किया। चलें सर, सईद साहब, वजारत खारजा का ऐसे पूरे इन हालात में वजारत खारजा का कलमदान का खाली होना, नवाज शरीफ साहब पे ऑलरेडी बड़े प्रेशर्स हैं, आप क्या समझते हैं कहीं ना कहीं हमारी मतलब कमजोरियां हैं, हम अपने टाइज अपने पड़ोसियों के साथ कैसे ठीक कर पाएंगे सर, कैसे वापस? पहली चीज तो ये है कि इंडिया इज अ बिग मार्केट, तो हर कोई उसको मतलब कर रहा है, वो कर रहा है, अमेरिका भी वो कर रहा है, यूरोपियन भी कर रहे हैं, बाकी भी कर रहे हैं, और दूसरा ये है कि इंडियन लॉबी वहाँ पे बहुत स्ट्रांग है वाशिंगटन के अंदर, अमेरिका के अंदर, तो दो चीज़ें मिल गई हैं, एक उनके इकोनॉमिक इंटरेस्ट, दूसरी इंडियन लॉबी, और हमारी उसके मुकाबले में कोई लॉबी नहीं। और साउथ एशिया पे हमारे जो इंडियन है, हमारे जो साउथ वो थे फ्रेंडशिप ग्रुप वगैरह, वो भी मतलब तितर-बितर हो गए हैं। तो ये ऐसे हालात हैं, ये इमरजेंसी के हालात हैं, यानी कि इसमें आपको एक बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लॉबिंग एफर्ट चाहिए। तो मैं हमारे वाले बाहर बैठ के क्या कर रहे हैं, मैं पिछले साल के अकाउंट्स पढ़ रहा था कि जब वो F-16 की फंडिंग रिजेक्ट हो गई तो लोगों ने पॉइंट आउट किया कि जी हमारा कोई लॉबिस्ट नहीं है वहाँ पे वाशिंगटन में, तो उसमें आगे जाके लिखा है कि हाँ वज़ीर आज़म माने नहीं लॉबिस्ट अपॉइंट करने पे। अब वज़ीर आज़म को इस पे क्या रिजर्वेशन है, कहाँ की रिजर्वेशन है, हमें नहीं पता, लेकिन ये हकीकत है कि आज पाकिस्तान का कोई लॉबिस्ट कंपनी नहीं है अमेरिका में, और अमेरिकन सिस्टम में इट इज़ पार्ट ऑफ द अमेरिकन सिस्टम लॉबिंग जो है, मतलब ये कि वो आपसे पैसे लेते हैं लेकिन वो कुछ ना कुछ डिलीवर करने की कोशिश भी करते हैं। तो इन्होंने मना किया, लॉबिंग से ज्यादा ये हमाद जुबैरी को वहाँ पे कॉन्टेक्ट करते रहे और उसको, मुझे नहीं पता कौन है, मैं बता रहा हूँ आपको, मैं समझाता हूँ, हमाद जुबैरी के जरिए जॉन मैकेन से मिले हमारे जरदारी साहब जाके वहाँ पे, एंड हमाद नहीं, पीपल पार्टी अपनी लॉबिंग करती रही। मैं नहीं, एक चीज के जमाने में लॉबिंग भी थी, मैं लॉबी करें, लेकिन नहीं, ये लॉबिंग नहीं है, मौजूदा वजीर आजम जो है लॉबिंग नहीं है, वो ना वजीर खारजा मुकर्रर कर रहे हैं और ना अमेरिका में लॉबीज मुकर्रर कर रहे हैं। मेरे ख्याल में प्रोफेशनली, मेरी जो 30-35-37 साल का एक्सपीरियंस है, मैं ये कहूंगा कि दोनों चाहिए, एक वजीर खारजा भी चाहिए, एक लॉबी भी चाहिए इन हालात में, चाहिए, वरना ये सारे बयानिए मैं बात करने लगा था वो मुख्तलिफ है। हमाद जुबैरी इज द पर्सन
जो कि बड़ा इन्फ्लुएंशियल है यहाँ पे, मैं तभी बताया कि जॉन मैकेन से मिला, एंड ही इज़ द पर्सन हु हैज बीन राइटिंग एक्सटेंसिवली ईमेल्स कि पाकिस्तान को ये जहाज मत दो, पाकिस्तान की एड बंद करो। तो वो तो हमारे खिलाफ हो गया ना। मैं वही बात कर रहा हूँ कि हमारे लीडर, लॉबिंग तो बड़ी दूर की बात है ना, आप लॉबिंग तो नहीं थी, लॉबिंग तो थी नहीं, तो चलो दुश्मन को ना साथ लेके चलो, मैं तो वो बात कर रहा हूँ। पाकिस्तानी लॉबी को मोबिलाइज करें, प्रोफेशनल लॉबिस्ट अपॉइंट करें, फुल टाइम फॉरेन मिनिस्टर अपॉइंट करें। हारिस गली साहब, जुमे के रोज वजीर आजम ने फॉरेन अफेयर्स मिनिस्ट्री का जब दौरा किया, वहाँ पर उनको ब्रीफिंग भी दी गई, जिस पर उन्होंने ये भी कहा कि भाई कश्मीर कॉज पे हम किसी सूरत जो है वो पीछे उस तरह से नहीं हटेंगे, हमारा मौकफ जो है वो स्ट्रॉन्ग रहेगा। साथ साथ उन्होंने ये भी कहा, उन्होंने ये भी जो हमारी जो खारजा पॉलिसी की प्रायोरिटीज हैं उसका बकायदा तौर पे एक कॉम्प्रिहेंसिव रिव्यू, एक एक एक, एक तफसीली जो है वो जायजा लिया गया। आपको लगता है प्रायोरिटीज जो ऑन ग्राउंड प्रायोरिटीज होनी चाहिए उसको वाकई में वो उस तरह से तरजीहात दी जाएंगी, उस सिमत की तरफ जाया जाएगा, और जो अभी आप लोग ने हाईलाइट शॉर्टकमिंग्स हमारी की हम उस पर उसको काउंटर करने में कामयाब रहेंगे? देखिए अलीना, बात यह है कि खारजा पॉलिसी इस वक्त मैं बिल्कुल इत्तेफाक करता हूँ हाल साहब से कि हम एक इमरजेंसी सिचुएशन है और उसमें फौरी तौर पर इनको न सिर्फ ये कि कुल वक्ती लोग मुकर्रर करने चाहिए बल्कि साथ साथ कुछ तरजीहात का नए सिरे से तायुन करना पड़ेगा, और वो तरजीहात खित्ते में अमन की सूरत हाल न होने से मैं फिर यही अर्ज़ करूँगा कि सबसे ज़्यादा हम मुतासर हुए हैं, आइंदा भी हम ही मुतासर होंगे। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि कुछ तरजीह ईरान से ताल्लुकात और अफगानिस्तान से, इन हिंदुस्तान से तो समझ में आता है कि चार दफ़ा हम लड़ भी चुके हैं, 70 बरस से मसाइल हमारे चल रहे हैं, कश्मीर का मसला गैर अलशुदा है, रन ऑफ कच के मसाइल हैं, बहुत से ऑर्केटिव बहुत से मसाइल हैं, लेकिन अफगानिस्तान और ईरान से तो आपको बिल्कुल जिस तरह से यानी वॉर फुटिंग्स पे पीस एफर्ट्स करने की ज़रूरत है, आपके ईरान से भी ताल्लुकात इस वक्त कोई बहुत अच्छे तो नहीं है। तो आपका कौन सा ऐसा यानी क्या चीज़ें ऐसी हैं जो अफगानिस्तान और ईरान से आपको ताल्लुकात बेहतर करने से रोकती हैं, ये आपको देखने की ज़रूरत है। और जाहिर है कि अमेरिका और वेस्ट का जो रोल है चीन के पाकिस्तान में सड़कें बना देने से और इन्वेस्टमेंट कर देने से, वेस्ट का रोल या वेस्ट की अहमियत पाकिस्तान के लिए कम नहीं हो जाएगी। ये नहीं हो सकता कि हम तकिया बदल लें, पहले हम अमेरिका के तकिए पे सो रहे थे अब हम चीन के तकिए पे सोएं, हमें खुद उठ खड़ा होना पड़ेगा और अपनी टर्म्स पे चीन से भी, क्योंकि अभी तो ये चीन जो आपको ये लग रहा है, चीन बिल्कुल हमारा दोस्त मुल्क है, मानना चाहिए, इससे कोई इनकार नहीं है, लेकिन चीन की अपनी मईशत और अपने शहरियों के मुआशी हकूक का जो मफादात हैं वो सबसे बढ़तर हैं। इसलिए मैंने आपको याद दहानी कराई थी कि उन्होंने हिंदुस्तान में भी कोई 40-45 मिलियन बिलियन जो है वो डॉलर्स इन्वेस्ट कर रहे हैं चीन साथ साथ सीपैक के। और बट आपको लगता है ये उबोर और सीपैक वाला जो मामला है हम कुछ निगोशिएट चीन से कर रहे होंगे या उन्हीं के कंडीशनलिटीज के आगे हमने? देखिए मैं नहीं समझता कि लोग जो ईस्ट इंडिया कंपनी कहते हैं वो तो गलत तज्जिया है, मैं समझता हूँ बड़ी हम लोग भी बड़ी मैक्सिमलिस्ट पोजीशंस ले लेते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन मफादात का मसला तो ये है कि हम चीन से सिक्योरिटी काउंसिल में दो लोगों को बचाने के लिए रेजोल्यूशन जब करवाते हैं वीटो, तो जाहिर है कुछ ना कुछ तो वो फिर आपका पोजीशन तो आपकी कमजोर होती है ना, इसीलिए मैंने अर्ज किया था। और जनरल साहब मेरे बुजुर्ग हैं और दोस्त भी हैं और मैं इनसे बड़ा बहुत मुझे इनसे मोहब्बत और अकीदत है, मगर मैं फिर इख्तलाफ इनसे यही करता हूं कि दिल्ली का पाकिस्तान की तरफ जो भी रवैया हो हमारा वो रवैया हम अफोर्ड नहीं कर सकते, हमें उसमें जो है अपने हमारी इंडो देखिए ना, हमने दो बंदे जो जब हमने चीन ने वीटो किया है कुछ एक दो लोगों को जब प्रोस्क्राइब कराना था और वो नहीं हो पाए तंजीमें या अफराद, तो वो क्या किसके साथ मसला था, वो हिंदुस्तान के साथ मसला था ना जिसमें हमने चीन को इस्तेमाल किया। तो मैं समझता हूं कि फिर चीन जाहिर है अपनी टर्म्स पे तो करेगा बहुत सारे काम वो अपनी टर्म्स पे करेगा। देखिए बात ये है, हर मुल्क की आपके लिए कोई डिमांड है ना कि जी आप कहते हैं कि ये कर दें फिर उससे, और आरएस भी उसी चीज पे बात कर रहे हैं। मिसाल के तौर पर अफगानिस्तान कहता है जी यहाँ हकानी है, ये है वो है, पहली बात यह कि आज दिन तक किसी ने कोई सबूत नहीं दिया कि यहाँ हकानी कौन सा, देखे ना वहाँ पे मुल्ला फजल हम उनको एग्जैक्ट बताते हैं कि यहाँ पे 3,000 उसके लोग जो हैं वो फलां जगह पे बैठे हुए हैं, ये उनका ट्रेनिंग एरिया, ये उनका गोला बारूद का जख़ीरा है, हमें कोई बता दे कि यहाँ पे आके किसी हकानी का या किसी का ये कुछ है। उसके जवाब में हमें ये कहा जाता है कि जी फलां हकानी यहाँ देखा गया, ये फलां हकानी तो कतर में भी देखा गया, तुमने पकड़ा सराजुद्दीन हकानी का नंबर 2 है, उसका भाई अनस हकानी, वो आपने कतर में पकड़ा है। मुल्ला मंसूर अख्तर 2 महीने ईरान में रह के आया, आपने जैसे ही बॉर्डर क्रॉस किया उसको मार दिया, फिर आप कहते हैं जी पाकिस्तान में, अभी 2 महीने जो उधर रह के है उसको भी तो कोई बात करो।
वो कोई बात नहीं। देखिए पाकिस्तान के ऊपर दबाव जो है वो एक डिज़ाइन के तहत है, एक मकसद है जो इंडिया बिल्डअप करवा रहा है। अच्छा अब आप मिसाल के तौर पर मैं मान लूँ कि अच्छा जी यहाँ हकानी है, ये वो है, और आपको आके बता दिया आप सारे हकानियों को मार देते हैं, हमने सारे हकानी पकड़े मार दिया, इस बात की क्या जमानत है कि उसके बाद पाकिस्तान में अमन आएगा? ये क्या जमानत हारिस दे सकता है? नहीं, मैं बात सुनिए क्योंकि हमने कह दिया है कि हम इतना इनके ऊपर इन्फ्लुएंस रखते हैं, इससे ज्यादा नहीं रखते, और अगर हमने इनको मारा तो ये हमारे ऊपर हमले करेंगे। ज़र्बे अक़्द से पहले की बात थी, ज़र्बे अक़्द के बाद बहुत कुछ चेंज हो चुका है, और फिर रूस के आने के बाद और भी बहुत कुछ चेंज हो चुका है। कोई ऐसा एक्शन ही लेंगे? मैं ये लेने की बात ही नहीं, मैं कहता मैं तो सिर्फ एक एग्जांपल दे रहा हूँ। वो तो बात ठीक है, आप मिसाल के तौर पे आप यूं कह दीजिए, मैं अल्फाज बदलता, मैं यूं कह लीजिए कि जो अफगानिस्तान डिमांड करता है आप वो करते, वो मारने का कहता है, पकड़वाने का कहता है, वो उनको कहता है मैं ये बात एक सेकंड, हम अकेले तो नहीं करेंगे, कुछ हमारी डिमांड्स भी भाई, अकेले दोनों तरफ से। हाँ अब इधर आए, अकेले नहीं करेंगे, हमने अफगानियों को इंटेलिजेंस शेयरिंग का एग्रीमेंट दिया, हमने कहा जी हम आपको हकानियों जो जिस जिसकी मूवमेंट की हमें खबर होगी हम आपको देंगे, आप हमें तालिबान की मूवमेंट पे देंगे, पाकिस्तानी तालिबान पे। फिर हमने एग्रीमेंट को फाइनल कर दिया, अशरफ गनी वॉज रेडी, इट वॉज टू बी साइंड, लेकिन सिग्नेचर से एक दिन पहले नबील रहमतुल्ला नबील ने दस्तखत करने से इनकार कर दिया इंडिया के कहने पर, और वो एग्रीमेंट साइन नहीं हो सका। बॉर्डर मैनेजमेंट के हमने 70 दफा, आप कौन सी कोशिशों की बात कर रहे हैं, जो क्वेश्चन नहीं, कौन सी कोशिशें जो नहीं की गई, 70 दफा बॉर्डर मैनेजमेंट का अरेंजमेंट उनके साथ तय हुआ है, यहां से जब वापस जाते हैं जाके मुकर जाते हैं, कहते हैं ये नहीं करना। हमने उनको एक एग्रीमेंट 2014 में भेजा था जिसमें हमने कहा कि जी आप हमारे साथ रिलोकेट करें यह कम्युनिकेशन टावर्स, क्योंकि हमारी सिम आपके यहाँ इस्तेमाल होती है, आपकी हमारे यहाँ हो जाती है बाज इलाकों में, तो ये एडजस्टमेंट इसकी होनी चाहिए। 2014 से आज दिन तक जवाब ही नहीं आया। राइट सर, आप कौन सी बातें कर रहे हैं कि किस... आप अच्छा कि आपने ये याद दिला दी हैं ये चीजें, लेकिन गाड़ी तो दो पहियों से चलेगी ना, एक पहिये पे कैसे चल सकती है? नहीं, एक पहिया नहीं, हमारे ऊपर प्रेशर है तो हम उसका मुकाबला भी कर रहे हैं। नहीं, ये बात नहीं है, हमें, मैं जो रोज सुनता हूँ हमें जी ये करना चाहिए, हमें ये कर लेना चाहिए, वो तो जाहिर है, हम अपनी मुझसे बात करेंगे ना। आप देखेंगे हम पाकिस्तान या भारत का शहर, मैं बताना चाहता हूँ, मैं बताना चाहता हूँ कि जब ये कहते हैं प्लीज डोंट फॉरगेट कि ये कुछ किया गया है, उसका जवाब क्या आया है? आपने जब वो दोबारा हमने जब उनको पकड़ा, देखे ये बात दोबारा जब हमने पकड़ा, ये लॉपसाइडेड हुआ हुआ है कि उनके नैरेटिव को बहुत ज्यादा जगह मिल रही है, हमारे नैरेटिव को जगह नहीं। ये भी बात है, ये भी बात दुरुस्त है, लेकिन हमने जब उनको पकड़ा कि जी इंटेलिजेंस का मुआहदा, हमारी अंदरूनी खबर है कि इंडियंस ने उनको कहा कि इस एग्रीमेंट में से आप बलोच सेपरेटिस्ट का निकालें, उस पर कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी जाएगी पाकिस्तान को। पब्लिक डिप्लोमेसी में हमें यानी बड़ा, अब जब आप बलोच सेपरेटिस्ट का निकाल रहे हैं, इसका मतलब यह है कि अफगानिस्तान वहां से बलोचिस्तान के अंदर जो कुछ हो रहा है वो तो चल पाता रहेगा। हाउ कैन यू मैं तो उसी पे गुजारिश ही करूंगा कि हमारी वल्नरेबिलिटी ज्यादा है, और एक बात और बड़ी, आप ये बताएं करना क्या चाहिए? नहीं, करना तो यही चाहिए कि जो हम कर रहे हैं, मतलब हम तो कोशिश कर रहे हैं कि डायलॉग और जो ये डायलॉग रिवाइव होते हुए नजर आ रहे हैं। नहीं, डायलॉग रिवाइव तो देखें, हमने उन्होंने आगरा मिस किया, हमने मनमोहन सिंह मिस किया, अब तो सूरत हाल पेचीदा है और कुछ अरसे तक रहेगी, लेकिन ये कि बहरहाल मतलब मैं तो समझता हूं कि बुनियादी फैसला इस्लामाबाद और दिल्ली के माबैन ही होना है, क्योंकि हर जगह जो लड़ाई है पाकिस्तान की वो जुड़ी हुई, नहीं वो कोशिश प्रेशराइज तो करना ही है ना, दोस्ती का मसला ही नहीं है ना। देखें अफगानिस्तान को हम बरादर कहते रहते हैं, कोई बरादरी और कोई दोस्ती का चक्कर नहीं है, हमें हमारा मफाद इसमें है कि हमारे बॉर्डर्स जो हैं वो महफूज हों, हमारा इसमें मफाद है, वो बिल्कुल दुरुस्त है, होने यही चाहिए, लेकिन हरिस चीज यह है कि रेसिप्रोकल होने चाहिए, जब तक आप रेसिप्रोकल नहीं करेंगे हो नहीं सकता। मेरी ख्वाहिश अपनी जगह पे है, बॉर्डर पे तो कोई, अच्छा अब मैं अनफॉर्चूनेटली वी रन आउट ऑफ टाइम, इंशाल्लाह एक और जरूर सिटिंग रखेंगे। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस, प्रोग्राम की टीम और अलीना।